अब हमारे पास ये मबिन भेज रहे हैं भैया से प्राप्त कर ले। बड़े को नहीं है मेरी गाड़ी लेकिन जनपद पर चार नहीं गई, 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा था। मैं इनसे बात किया, बोले कुछ 23 दिन बाद भेज जाती है। फिर उसमें मैं बोला सर पैसा निकलवा दीजिए तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। ये 4 महीने का बिल निकलवाए, 1 महीने का रोक रखे हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर घर चला गया तो मेरे नाम ये झूठी हायर कराए और धमका डरा धमका रहे थे। फिर पुलिस में बंद करा दूँगा गाड़ी, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मैंने इनसे बात किया, बोले 17,000 दे, 4,000 का दिया और 13,000। आज कहाँ देने गए थे? आज सनी के घर में। नेहरू नगर। कितने समय का ये कार्रवाई हुई है? शाम के 5:30-5:30। ये गाड़ी कब से लगी थी आपकी? गाड़ी मेरी जून माह से लगी 2022। तब से यही प्रभाव में जो शिकायत करते हैं शिवेंद्र कुमार पटेल, इनकी गाड़ी नई गाड़ी में सीओ साहब जनपद में लगी हुई थी किराए पे, और जून से लेकर अभी तक उनको पैसा नहीं निकाला गया था, जिसका पैसा निकालने के एवज में सीओ साहब श्री शैलेश कुमार पांडे जी कमीशन मांग रहे थे। टोटल 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तो 17,000 रुपये इनका बोला कि ठीक है आप, मैं कम कर दे रहा हूँ, 17,000 रुपये दे देना। और इन्होंने बोला था कि 7,000 मेरे ड्राइवर को दे दो, बाकी मुझे दे देना। इसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए हैं, रंगे हाथों ट्रैक किया गया है। ये शिकायतकर्ता ने बताया है शिवेंद्र कुमार पटेल ने कि 23 तारीख को जब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा निकाल दो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने थोड़ी पहले से कुछ पिटर पिटर चल रही थी कमीशन को लेकर के। 23 तारीख को इनका ये कहना है कि मुझे बोला कि तुम चले जाओ, मैं घर चला गया। तो 24 तारीख को इन्होंने सीओ साहब ने उसकी झूठी शिकायत, उसका ये कहना है कि मेरी झूठी शिकायत कर दी कि साहब वो गाड़ी लेके चला गया, आ नहीं रहा। इस बात की उन्होंने झूठी शिकायत, उस पर दबाव डाल रहे थे मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो। ये पैसा का मैटर था, उसका ये कहना है कि पैसे की वजह से मेरी झूठी शिकायत किया है।